आज सफाई सेवक यूनियन सुजानपुर की ओर से मुख्यमंत्री पंजाब के पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया। जानकारी देते हुए सफाई सेवक यूनियन की प्रधान अमिता ने बताया कि वह पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि उनकी मांगों कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने और जो कर्मचारी काम से बाहर निकाले गए हैं उनको फिर से काम पर लगाने की उनकी मांग है, जो कि अभी तक पूरी नहीं की जा रही, जिसके चलते आज उनके द्वारा सीएम पंजाब का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। और सफाई सेवकों ने बताया कि अगर फिर भी उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वह 6 अगस्त को सीएम पंजाब भगवंत मान के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, और अगर फिर भी उनकी मांगें ना मानी गई तो वह पक्के तौर पर धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। टुडे हेडलाइंस देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले असीं मौजूद हाँ सुजानपुर के शेखा महल के जिथे कि सफाई कर्मचारियों वालों जोड़ा आ सीएम का पुतला फूकया गया है, तो अपनी मंगों को लैके जोड़ा इतने प्रोटेस्ट किया गया है। इन्हों की एक ही मंग हैगी कि जो इन्हों के कच्चे मुलाजम है उन्होंने पक्का किया जाए, और जोड़े सफाई कर्मचारी जिन्होंने बाहर क्ढ़िया गया उन्होंने जोड़ा फिर तो नौकरी पर रखा जाए। तो इन्हों का यह भी कहना है कि जोड़े मुलाजम जोड़े जोड़े इन्हों जी मंगा है वह सू हाले कोई भी लिखती तौर पर जीडिया नहीं पूरी की गई, सिर्फ ऐलान ही किए गए हैं, जिस करके इन्हों काफ़ी जो रोष पाया जा रहा है। जेकर असं गल करिए पिछले कल की, तो पिछले कल जो नगर निगम पठानकोट के भी जो सफाई कर्मचारियों वालों जोड़ा सीएम का जो पुतला फूकया गया सी, तो अज जो है शेखा महल सुजानपुर के जो पुतला फूकया गया। अमित भगत, टुडे हेडलाइन सुजानपुर। सर, पुतला इस करके जलाया गया है कि क्योंकि सरकार ने साड़िया मंगा नहीं कीतिया। पिछले दिनों से असी हड़ताल की सी, इन्हों दिनों हड़ताल हुई साड़ी, तो सरकार ने उस वादे तो पूरा नहीं किया, उन्होंने वादे ने पूरा नहीं किया। रेगूलर करन दा ये ऐलान तो ऐलान सरकार करी जा रही है, पर नहीं, क्योंकि पूरे पंजाब से जिते भी बंदे कड़े पे है सारे उन्होंने रखा जाए, बिना शर्तों तो पक्या किया जाए। और ये है कि जिते मतलब कि 6 अगस्त को असी संगरूर जा रहे हैं, अगर नहीं मनिया होर ज़्यादा संघर्ष अभी तेज़ करांगे, लोड़ पई तो अनमिती हड़ताल जी शुरू की जाएगी। कई शहर चले शुरू हो गई है, अभी सुजानपुर भी कर देंगे। असी 6 अगस्त से उतों होके आके फिर अं हड़ताल पर बहना है, जे अगर सरकार साड़ी मना मान लेंदी है तो कोई जरूरत नहीं सानू। सर, पिछले लंबे समय तो संघर्ष करते आ रहे हैं कि सफाई सेवकों को रेगूलर किया जाए, पक्के किया जाए, पर एक महीने का टाइम अभी पिछे जे हड़ताल भी कीतियां सी, जो कि हड़ताल कित ऐसे महीने हुए सी 7वें महीने, तो मुड़के साल हो गया उन्होंने कुछ नहीं किया, गिने चुने लोग रखे बाकी सारियां नू जवाब दे दिता। सरकार ने बोलिया ही कि 36,000 मुलाजम पक्का किया जाएगा, पर वो ना रेगूलर है तो ना ही कुछ, सानू लैटर च लिखित तौर पर कुछ नहीं दिता गया। इस करके अं मुड़के रोष प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी हकी मंगा वास्ते कि इन्हों पक्या किया जाए, रेगूलर किया जाए। अगर जे कोई ओवर एज है तो उन्होंने जगह तो उन्होंने बच्चों एडजस्ट किया जाए, तो इन्होंने इनकार किया इस गल तो मुकर गई है सरकार। सारिया सरकार नकमियां हैं, गरीबों वास्ते कोई नहीं सुनता। इस करके अं चाहते हैं मुड़के उही रोष मुजहरा किया जाएगा, हड़ताल कीतिया जाएगा अगर साड़िया मंगा पूरिया ना हुई। अभी 6 तरीक न भगवंत मान के घर निवास से जाके धरना दे रहे हैं, तो खराब कर रहे हैं, उदों भी नहीं सुनेगा तो फिर होर ज़्यादा जोर दिता जाएगा। तो साड़ी मांग है सरकार दे अगे कि इन्हों सारियां नू रख्या जाए जो कढ़े गए हैं, इन्हों नू मुड़ बहाल किया जाए तो पक्का किया जाए। अब आपके शहर पठानकोट में खुल गया है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट क्रूज लाइन। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला और एकमात्र क्रूज शिप इंडस्ट्री से जुड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 100% प्लेसमेंट, PCSTI, Institute of Hotel and Cruise Management, Pathankot. Now get 20% discount on courses with limited seats. बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113।